someone by Lucia. विग्रह करते समय इसका संभाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभाल शब्द का प्रयोग किया जाता है समूह का दल का। संभाल का अर्थ क्या होता है? दल या फिर समूह है, बहुत सारा जो झुंड होता है उसकी क्या है। तो देखो यह समास तत्पुरुष समास के भेद कर्म कार्य समास का उपभेद है। यानी तत्पुरुष समास का भेद, तत्पुरुष समास का भेद क्या? उस भेद में कर्म कार्य समास का भी क्या बताया गया? उपभेद बताया गया। तो कर्म कार्य समास में भी इसके लक्षण है, तत्पुरुष में भी। अतः इसका भी द्वितीय पद पर ध्यान होता है। और द्वितीय पद और कहाँ पर ध्यान था? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद पर ध्यान था। कहाँ था? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद पर ध्यान था। वही प्रथम पद इसमें क्या होता है? संख्या का बोध कराने वाला होता है या संख्या का बोध कराता है। प्रथम पद क्या करता है? संख्या का बोध कराता है या संख्या का बोध कराने वाला होता है। या संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है वो एक ही बात है, संख्या का बोध कराता है, संख्यावाचक होता है। इस समास में समास विग्रह करते समय, इस समास में समास विग्रह करते समय समूह संभाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। समूह या संभाल शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको अपन दल या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दल या समूह है। तो यह समास तत्पुरुष समास के भेद कर्म धारे समास का उपभेद है, अतः इसका भी द्वितीय पद पर ध्यान होता है। वही प्रथम पद संख्या का बोध कराता है या संख्यावाचक होता है। इस समास में समास विग्रह करते समय समूह संभार या दल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह था द्विगु समास की परिभाषा, यानी अपर द्विगु समास को किस प्रकार से पहचान पाएंगे उसका यह लक्षण या परिभाषा इसकी बताई गई है कि हम इस प्रकार से इसको पहचान पाएंगे। अब इसके जो उदाहरण को देखो, त्री यानी तीन, तीन लोगों का समूह है। तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समूह है। त्री लोग चौगुनी चार गुनी अपन बोलते हैं चार में, तो उसी का नाम है चार गुनी यानी चौगुनी। नवरात्र ये बहुत बड़ा है, नवरात्र का अर्थ नवरात्रियों का समूह है। अपने मित्रों को बताएं जो भी इससे नहीं जुड़ा है।
जाकर के आप सर से मारें फिर उसमें कक्षा 10 और 12 की डिग्री ले। यदि आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो भी आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे एस मीडिया जैसिंद वास इस पे सर्च मारेंगे तो आपको पूरी जो क्लास है आपकी 10th 12th की हर सब्जेक्ट की मिलेगी हर टीचर। तो आप इस पे जाए यदि ग्रुप में नहीं जुड़े और ग्रुप में जुड़े तो आप ग्रुप में जाकर के अपनी क्लास ज्वाइन करें। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एसएम जैसी पास यूट्यूब पर जाकर सर्च मारे और फिर अपने क्लास ज्वाइन करें। इसके बाद में है दो राहा, दो राह है, दो राहों का संहार। Thank you.
चार
मागे। इसके आगे कैसे है दशानन, दशानन का अर्थ है दस है, आनन जिसके वह उधार। तो जितने भी कर्म धारे के भेजा होता है वो बहुव्रीहि के लिए मिले जाते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और उसमें कर्म धारे और बहुव्रीहि दोनों आए तो आप बहुव्रीहि समास करेंगे। इस प्रकार से आपके समास कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में आपका जो वाक्य शुद्धि का है वो पॉइंट होगा या फिर जो भी है देख